हो पाएंगे भाई। ठीक है, तो मतलब ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं, राइट। एक मतलब लॉग के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं लॉग के, वो थोड़े से डिफिकल्ट जाएंगे। ई टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स के थोड़े से क्वेश्चन डिफिकल्ट जाएंगे आपको, क्योंकि आपका लॉग हुआ नहीं है मैथ्स में। जैसे ही वो होगा आपके वो क्वेश्चन बिजी जाएंगे। लेकिन मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, मतलब एक चीज दिमाग में डाल दो कि जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हम लोग अभी पढ़ रहे, फिजिक्स में इतना काम में नहीं आने वाला है। और जब धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चीज जो है वो आती जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको उसका टेंशन एट प्रेजेंट नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी आपको एकदम सिंपल वाला डेरिवेटिव आना चाहिए। जैसे मैं आज देखो, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखूंगा, आज हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का बेसिक आज पढ़ेंगे। और आज का जो एडवांस प्लस लेक्चर है, ठीक है, एडवांस एडवांस प्लस लेक्चर शाम को, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन के थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हम लोग, थोड़ा सा डेरिवेटिव का भी एक हाथ दो अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नहीं कैलकुलस इज नॉट डन ना, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। कैलकुलस में तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आता है, भूल गए क्या? कैलकुलस कैसे हो गया? ठीक है, कैलकुलेशन में गए, कैलकुलस में डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों चीजें आती है। ठीक है, एडवांस्ड लेक्चर इज ओनली फॉर एडवांस स्टूडेंट। ठीक है, हाँ, लेकिन जिनको ऐसा है, जिनका मन करता है कि चलो यार चलो बैठ लेते हैं, वैसे भी 7 to 8:30 लेक्चर है, आप लोग बैठ सकते हो। बट इट इज नॉट मतलब हम लोग कंपल्सरी और फोर्सफुल फोर्स नहीं करेंगे आपको। ठीक है, एम्स वाले भी मतलब बैठना है तो बैठो, इट इज नॉट कंपल्सरी। मैंने लिखा है एम्स प्लस, लेकिन वो मतलब कंपल्सरी नहीं है, बट यस आप बैठ जाओ। ठीक है, समझ में नहीं आया आया कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट्स ऑप्शनल। ठीक है, जो शाम का 7 to 8:30 वाला लेक्चर होता है, इट इज ऑप्शनल फॉर जेई मेन स्टूडेंट, नीट स्टूडेंट एंड एम्स वाले स्टूडेंट। सीईटी एंड बोर्ड के लिए तो बैठना ही नहीं है, नाटा वालों के लिए भी बैठना नहीं है। जो लोग सीईटी के लिए है, बोर्ड के लिए है, नाटा के लिए है, मतलब अलग अलग एग्जाम, एनडीए के लिए है, हर एक का अपना अपना अलग अलग एग्जाम होता है, राइट। कुछ कुछ लोग जिनका दिमाग होता है कि हाँ मैं जेई भी दूंगा, मैं नाटा भी दूंगा, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं जेई भी दूंगा, मैं एनडीए भी दूंगा, तो ऐसे वाले लोग। ठीक है, यस, जेई मेन वालों के लिए भी ऑप्शनल है, बट जेई मेन के जो टॉपर्स होते हैं, जैसे कि वो जेई मेन में आपको टॉप करना है, एनआईटीज में, IIITs में सबको एडमिशन लेना है, तो उसमें आप उनके लिए तो जरूरी है। ठीक है, तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। उसके पहले दो चीजें, इंटीग्रेशन के करने के पहले मुझे आपको दो चीजें बतानी है, सब लोग यहाँ पे फटाफट देख लो गाइज। मैं यहाँ पे ऊपर ही डाल देता हूँ न्यू स्लाइड। आप लोग को सबको पता है, मतलब अमन सर, ठीक है, अमन सर नहीं मतलब अपने डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज में, जैसे फिजिक्स की बात करूं मैं, वैसे केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए भी अलग अलग होंगे। फिजिक्स में बेसिक लेवल पे अमन सर होंगे, ठीक है, फिर अमन सर के बाद अभी प्रसन्ना सर होंगे, ठीक है, अंदर एडवांस ट्यूटोरियल्स में निहाल सर आएंगे। ठीक है, तो अलग 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 फिजिक्स के आपको सर का दर्शन होगा। ठीक है, हाँ, रेगुलर लेक्चर जो 1:30 to 4 वाला होगा वो मैं ही लेते रहूंगा। ठीक है, बट बाकी जो मतलब आपके पॉलिश करने वाले लेक्चर्स होते हैं, आपको जो पॉलिश करेंगे वो अलग अलग टीचर्स सर के लेक्चर्स होते रहेंगे। लेक्चर्स मतलब क्या, डाउट सॉल्विंग सेशन, होमवर्क डिस्कशन, फिर XYZ। ठीक है, हाँ, अभी सर मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों सिखाते हैं, लेकिन अभी सर फिजिक्स के डाउट सॉल्विंग भी करेंगे। फिजिक्स का डाउट सॉल्विंग वो शाम को करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे सब लोग सुनो। दो टाइप के डाउट सॉल्विंग हो रहे हैं, आपने अभी देखा होगा, आज आपका सेशन था ना, एक आज सुबह एक सेशन था कि नहीं था? यस, आज एक सुबह सेशन था। ठीक है, 11 to कब था, 12:30 था शायद, राइट, 11 to 12, 12:30 था। यस, तो 11 to 12:30 एक स्केलर एंड वेक्टर, जिन लोग का स्केलर वेक्टर हुआ है, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर हुआ है, उसके वर्कशीट का डिस्कशन था। तो स्केलर एंड वेक्टर का वर्कशीट डिस्कशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ने मतलब ये वर्कशीट, मतलब जो भी आपका होमवर्क होगा, वर्कशीट होगा, बेसिकली होमवर्क एंड टेस्ट, ठीक है, तो होमवर्क एंड टेस्ट जो होता है ना, उसका डिस्कशन इस टाइम पे होते रहेगा। ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोग बोलेंगे सर
मतलब जैसे कि रुस्तम जी में कुछ 5-6 बच्चे हैं जो ASN A2 लेवल कर रहे हैं, उनका स्कूल क्लैश हो रहा है, या कोई ISC का बच्चा है जिसका स्कूल क्लैश हो रहा है। तो गाइस ये होमवर्क डिस्कशन है, उसमें आपका जो भी आपको डाउट होगा ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग से वो वाला नंबर का वो चीज देख लेने का जिन लोग का मिस हो रहा है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर फिर हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे, लोगों का क्वेश्चन होगा ना सर फिर हमारे डाउट कैसे सॉल्व होंगे। तो गाइज रोज रोज, अभी तो पहले 3 दिन है, अभी तो सिर्फ 3 दिन है गाइज, सब लोग देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 3 डेज है, ठीक है। बाद में रोज मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ आपको, वो टाइम मुझे एग्जैक्टली अभी आइडिया नहीं है, 9:30 to 10:30 या 8:30 to 9:30, ठीक है, 8:30 to 9:30 या 9:30 to 10:30, मुझे जस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा आसिफ सर से, ठीक है, या 9:30 to 10:30 ओपन डाउट सॉल्विंग होगा, ओपन डाउट सॉल्विंग सेशन, ठीक है। ये अगले हफ्ते से रोज होगा, मतलब ऑलमोस्ट रोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसा करते रहेगा, राइट, शायद हाँ 9:30 to 10:30, ओके सॉरी 9:30 to 10:30 PM नाइट। अब इसका मतलब क्या, व्हाट इज ओपन डाउट सॉल्विंग सेशन, व्हाट इज ओपन डाउट सॉल्विंग सेशन, सर ने बताया होगा ओपन डाउट सॉल्विंग सेशन का मतलब क्या होता है कि सर बैठे रहेंगे, आपको जो भी डाउट होगा, देखो ये भी एक डाउट सॉल्विंग सेशन टाइप है लेकिन होमवर्क एंड वर्कशीट डिस्कशन वाला चीज है। ये वाला सेशन जो है इसमें आपको जो भी डाउट होगा आओगे पूछोगे निकलोगे, बैठोगे नहीं, ठीक है, जो भी डाउट होगा पूछोगे निकलोगे, ठीक है। और बाद में जाके मतलब एक हफ्ते के बाद इसी टाइम पे या फिर आगे पीछे 8:30 9:30 भी हो सकता है, वो मुझे हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि 8:30 को आपका एडवांस का लेक्चर भी खत्म होता है ना, तो ज्यादा बम्बार्डमेंट नहीं होनी चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली 9:30 to 10:30 के बीच में ही होगा। उसमें क्या होगा, या अनम्यूट ऑप्शन तो ऑब्वियसली देगा ना, तो डाउट कैसे पूछोगे तुम लोग, माइक का ऑप्शन मिलेगा ही ना, उधर माइक का ऑप्शन देना पड़ेगा, डाउट सॉल्विंग में माइक का ऑप्शन। देखो पढ़ाने में क्या होता है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे लोग ना डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग माइक का ऑप्शन जनरली नहीं देते, बट जब डाउट सॉल्विंग होता है तो डाउट सॉल्विंग में माइक का ऑप्शन के बिना कैसे चलेगा, मुझे बताओ डाउट, क्या आपने अमन सर या अभी सर उनका भगवान है, मतलब आपके वेव्स उनको पता चल जाएंगे और क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो गाइस 9:30 to 10:30 ओपन डाउट सॉल्विंग सेशन। अब इसमें क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, एक हफ्ते के बाद फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैथ के सारे सर इसी टाइम पे बैठेंगे, मतलब पैरेलल चलेगा वो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है, सारे लोग सारे टीचर या इवन बायोलॉजी देखना पड़ेगा, सारे लोग इसी टाइम पे बैठेंगे, ये टाइम या 8:30 9:30 वो मुझे एग्जैक्टली अभी देखना पड़ेगा, इस वक्त इस वीक शायद से 9:30 10:30 वाला डाउट सॉल्विंग है, ये डाउट सॉल्विंग का टाइमिंग थोड़ा चेंज होते रहेगा, मतलब लेकिन वही रात को ही रहेगा, 9 से 10 9 से 11 ऐसा कुछ, ठीक है, मुझे पता नहीं, वो चेंज होते रहेगा गाइस। अब इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों तीन लोग बैठे रहेंगे, आपको सपोज फिजिक्स में डाउट है, अंदर घुसने का डाउट सॉल्विंग में, पूछने का निकलने का, फिर आप मैथ्स में घुसोगे, मैथ्स का डाउट है मैथ्स का पूछा आप निकल गए, ठीक है, केमिस्ट्री का पूछा आप निकल गए, ठीक है। हाँ आपको फेस दिखाना जो होगा, फेस दिखाना डाउट सॉल्विंग में नहीं दिखा सकते, वो वाइवा में होगा, वाइवा भी आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ मुझे ये भी बताना था आपको, आपके कल से वाइवा स्टार्ट हो रहे हैं, बैच अलग 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 अलग, कभी भी किसी को भी बुला सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, इस वीक में आपका वाइवा कभी भी हो सकता है किसी के ऊपर, ठीक है। अभी इनिशियल स्टार्टिंग वाइवा विल बी ओनली फॉर 15 to 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का वाइवा रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग का जो पहला हफ्ते का वाइवा होगा वो मैं नहीं लूंगा, वो अमन सर एंड सिद्धार्थ सर दोनों मिलके लेंगे, बी प्रिपेयर्ड, वाइवा का आपका रिकॉर्डिंग भी होगा, ठीक है गाइस। तो विल स्टार्ट विथ फिजिक्स, अभी फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, फिजिक्स में हम लोग वाइवा में पूछने वाले स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है गाइस, चैप्टर फॉर वाइवा इज स्केलर एंड वेक्टर, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर स्केलर एंड वेक्टर। एंड व्हाट इज वाइवा, वाइवा इज ओरल, ओरल होते हैं ना ओरल एग्जाम, मतलब जैसे कि सपोज आपको आपका वीडियो, सबका वीडियो उसमें ऑन रखना पड़ेगा, इट विल बी जूम मीटिंग, जूम वेबिनार नहीं होगा वो, जूम मीटिंग होगी, ठीक है, जो उसमें कुछ भी पूछा जाएगा, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा वाइवा में क्या पूछा जाएगा, जो यू जस्ट बी प्रिपेयर्ड, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, पहला वाइवा है तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा जाके मतलब जब भी आपको कॉल आएगा, आपको हेमांगी मैडम या कोई भी एडमिन टीम से आपको कॉल आएगा कि अभी आपका वाइवा है 15 मिनट में, ठीक है, तो आपको बस आना है बैठना है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ फिजिक्स वाइवा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक से केमिस्ट्री का वाइवा ऐड होगा, मैथ्स का वाइवा ऐड होगा,
सब कुछ एक साथ हो गया तो तुम लोग बोलोगे सर बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी थोड़ा सा फील आ रहा है ना, बहुत सारे लेक्चर्स हो रहे, थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमको कि लेक्चर्स बहुत, लेक्चर्स का ज्यादा बम्बार्डमेंट आ गया है, ठीक है, अब टेस्ट का भी बम्बार्डमेंट आ गया है, राइट गाइस? तो ये सारी चीजें भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहेगी। हाँ, अभी मुझे ज्यादा भी अपना ये नहीं करेंगे, अभी अभी आप आगे बढ़ते गाइस, ठीक है, चलो एक मिनट। तो मैं अंदर एक बार जो भी मैंने बोला वो सब कंक्लूजन दूंगा, अभी कुछ नहीं, ठीक है, अभी डायरेक्टली मैं वो जो भी होगा वाई सब देख लेना अभी बाद में, अभी फटाफट चालू करते। टॉपिक नेम इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी इधर लिखा हुआ, इंटीग्रेशन क्या है, पहली बात, व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब सब लोग यहां पे देखो, जैसे मैंने मैंने मतलब एक बड़ा क्वांटिटी लिया, तो मैंने डेरिवेटिव में मैंने क्या बोला था, जब मैं डेरिवेटिव बोलता था तो डेल्टा वाई को मैंने क्या किया था, डीवाई किया था। डेल्टा मतलब क्या, इसको हम लोग क्या बोला था, बिग डिफरेंस, इसको हम लोग बोलेंगे बिग डिफरेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो डेरिवेटिव क्या था, मतलब बड़े डिफरेंस को छोटे डिफरेंस में कन्वर्ट करना। अब डेल्टा वाई की जगह वाई भी लिख सकते हो, मतलब मैंने y को dy से dy में कन्वर्ट किया, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, y से y को dy में कन्वर्ट करना, राइट? हाँ, उल्टा, उल्टा देखो यहाँ पे, अब कोई चैट में चैट बट चैट वगैरह मत डालो, सब यहाँ पे देखो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग उल्टा पुल्टा मत पूछो। y से dy मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। अब उल्टा, उल्टा का मतलब क्या होता है, dy से y, डीवाई से वाई, मतलब डीवाई मतलब बहुत छोटी क्वांटिटी है, उसको मुझे बड़ी क्वांटिटी बनानी है, डीवाई से मुझे वाई बनाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखो, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग, फिजिकल मीनिंग अब तक मैंने बताया नहीं है, वो मैं लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। मेरे जो थर्सडे का लेक्चर होगा उसमें अपना कैलकुलस खत्म हो जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का एक्चुअल मतलब क्या होता है, फिजिक्स में वो कहां पे काम में आने वाला, ठीक है। तो अभी के लिए dy से y बनाना मतलब क्या करना, इंटीग्रेशन करना, y से dy बनाना मतलब डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो ये जो चीज होता है, और इंटीग्रेशन का भी यहां पे सिंबल में लिखता हूं, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इंटीग्रेशन, दिस इज माय इंटीग्रेशन का सिंबल। और कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अब के लिए सिर्फ याद रखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। क्या होगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई बोलेगा सर व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना सिर्फ दिमाग में रखो, अपन बाद में देखेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, अभी के लिए सिर्फ इतना लिखो, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिखो इतना, ठीक है, सिर्फ इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल जो आपको इसी वीक में मिल जाएंगे, वो आपको कॉल आ जाएगा, मॉड्यूल्स का भी एडमिन टीम से कॉल आ जाएगा, वो वन बाय वन जाके लेना है आपको मॉड्यूल, सब एक साथ नहीं जाना है, ठीक है, सब एक साथ जाओगे तो पकड़े जाओगे। यहाँ पे लिखो, आगे आगे करें, आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते। अब जैसे मैंने यहां पे आपको बोला कि ये होता है बड़ा डिफरेंस, उसका बढ़ाया मैंने स्मॉल डिफरेंस, ये है y, उसका डेरिवेटिव किया dy, dy था उसका इंटीग्रेशन किया y, सिंपल, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, सब लोग यहाँ पे देखो, पहले सिर्फ मैथमेटिकली देखते, सिर्फ मैथमेटिकली, अब कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ मैथमेटिकली कुछ चीज होती है वो मैं बोलूंगा बिना दिमाग लगा के, ठीक है, बिना दिमाग लगा के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे सब लोग देखो, कभी किसी ने बोला सर, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, ठीक है, किसी ने बोला सर इंटीग्रेशन, देखो मतलब ये ऐसा सिंबल आएगा ऐसे नाक की तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ सर dx क्या होगा, ठीक है, मैंने क्या बोला, dx को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहां पे बोला ना मैंने,
dy को इंटीग्रेशन से y मिलता है, तो dx को इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, x मिलता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या मिलेगा, y मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt तो मैं बाद में फोर्थ लेक्चर में बताने वाला हूं, उसका टेंशन मत लो, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला भी देख लो यहां पे। हाँ, बट कोई कुछ ऐसे बोलेगा, कोई ऐसा बोला, सर इंटीग्रेशन सिर्फ dx नहीं है, यहां पे dx नहीं है, dx के साथ साथ यहां पे x टू द पावर समथिंग 5 है। सर अब तो कुछ पंगा आ गया ना, अब क्या होगा, x टू द पावर 5 dx होगा कुछ, तो इसका इंटीग्रेशन सर क्या होगा, मतलब dx का इंटीग्रेशन तो x था, अब इंटीग्रेशन ऑफ dx के साथ साथ एक फंक्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा मैंने एक आपको चीज बोली थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x बोलते हैं कि नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x आ गया अभी, f ऑफ x, अपन u बोलते थे, u डेरिवेटिव में उसको u बोलते हैं, v बोलते हैं, राइट गाइस। तो इसका फिर आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलेंगे सर फिर ऐसा क्यों लिखते हैं, मतलब फंक्शन और ये dx क्यों होता है, मतलब ये फंक्शन ऑफ x भी और उसके साथ dx भी, इसका मल्टीप्लीकेशन क्यों, ये अभी सब मत सोचो, मैं बाद में बताऊंगा ये ऐसा क्यों होता है, वो बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ एज अ फॉर्मूला, एज अ मैथमेटिक्स देखना है, ठीक है। अब ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी ढूंढूंगा, पहले इतना लिखो, ठीक है, लिखा आपने, आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं एक छोटा सा आपको फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूला को पहले यूज करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला उसको यूज करना है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, अब फॉर्मूला सब लोग यहां पे देखो, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन दिया मैंने x टू द पावर n, देखो फॉर्मूला है dx। अब ये जो फॉर्मूला है वो याद रखो, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर ये कैसे आया, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आया, बताऊंगा कुछ चीजें आतिफ सर बताएंगे अभी, लेकिन ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे है वो मैं ही बता दूंगा आपको। पहले यहां पे सब लोग देखो, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, फॉर्मूला समझ में आ रहा है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस एक कांस्टेंट लिखने का, प्लस c। अब कोई बोलेगा सर ये प्लस कांस्टेंट ये क्या है, c क्या है, अब एक काम करते, पहले अपन ये लिखते ही नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, पहले बात पहले सिर्फ इतना ही देखो। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला सपोज दिया मैंने, ये अपना मेजर फॉर्मूला है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल 1 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx क्या होगा, बताओ n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, तो आंसर क्या है, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, आंसर कितना है गाइस, x टू द पावर 3 बाय 3, समझ में आ रहा है क्या। बोलो ये फॉर्मूला को देखिए, अब तुम लोग बोलेंगे सर फॉर्मूला कैसे आया, कुछ नहीं है, दिमाग में डालो सिर्फ इसको यूज करो और मुझे बताओ ये आंसर आया, ठीक है। कोई बोलेगा सर एग्जांपल 2, सब लोग यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx, तो मुझे बताओ आंसर क्या होगा, फिर x टू द पावर n, n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, कुछ नहीं, ये 4 है ना, प्लस 1 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 4 प्लस 1, तो x टू द पावर 4 प्लस 1 मतलब n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, सबको समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ इतना चीज, x टू द पावर 5 बाय 5, इसको इतना सबको समझ में आ रहा है गाइस, इसमें कुछ भी पंगा है क्या, इसमें कुछ भी पंगा नहीं है, राइट, मतलब ये तो एकदम सिंपल है यार, मतलब इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली यूज किया। हाँ, ये फॉर्मूला कैसे आया, फंक्शन ऑफ x dx क्या आया वो छोड़ दूं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। एग्जांपल 3 आप करोगे, चलो ये आप करो, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 dx बताओ कितना होगा, एग्जांपल 4 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2 dx बताओ कितना होगा, एग्जांपल 5 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -1/2 dx बताओ कितना होगा। चलो ये 3 क्वेश्चन करो, मतलब ये लिखो सब, ये पहले फॉर्मूला लिखो, ये हो गया फॉर्मूला, बहुत काम का है भाई, बहुत काम का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत काम की चीज है। पहले तुम बिना दिमाग लगा के जस्ट फॉर्मूला लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बिना दिमाग लगा के, ठीक है। थोड़ा सा मैथ, x टू द पावर n, देखो यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है, n को क्या मिल गया, यहाँ पे n प्लस 1 आ गया, यहाँ पे n प्लस 1 आ गया, बस ये x टू द पावर n dx क्या है वो सब भूल जाओ, क्यों आया भूल जाओ, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, ठीक है।
नहीं एडवांस लेक्चर तुम्हारा एवरीडे नहीं रहेगा, वो अल्टरनेट डे रहेगा, अल्टरनेट डे तुम्हारा मैथ फाउंडेशन या ऐसे कुछ लेक्चर रहेंगे। x^7dx यहाँ पे देखो, x^7dx जो x^7dx कैसे होगा, x^7 प्लस वन डिवाइड बाय 7 प्लस 1, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, n की वैल्यू n+1 n+1, तो आंसर कितना है x^8/8, राइट गाइस? ठीक है। हाँ, x^2dx क्या होता है, व्हाट इज हाफ dx, इसका आंसर क्या आएगा, x^(½+1)/(½+1)। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x^ क्या आ जाएगा, x^3/2। ठीक है, x^ यहाँ पे सब लोग देखो, यहाँ पे x^ क्या हो जाएगा, 3/2 x^ क्या हो जाएगा, 3/2 डिवाइड बाय क्या, 3/2, बराबर कि नहीं? अरे ½+1/(½+1, और वो जो था यहाँ पे क्या होगा, -½+1, यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, x^-½+1/-½+1। अब -½+1 कितना होता है, +½ होता है गाइस, ये +½ होता है, राइट? तो x^+½/, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x^½/½। अब कोई बोलेगा सर ये 1/2, 2 ऊपर भी लेके सकते हैं, अब 2 ऊपर जाके 2 × x^½ आंसर आएगा, राइट? मुझे तो ये समझ में आया जो लिखा मैंने, कुछ नहीं था, क्या था, फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करके आंसर निकालना, कोई पंगा इसमें, इसमें कोई मतलब, इसमें ये सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, n x^n n+1/(n+1), काम खत्म, बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते सब लोग, यहां पे देखो, हाँ, इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 को ऊपर लेके जाओ, 2√x, आंसर इसका 2√x आएगा, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो आपका मैथ का काम है, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, ये प्रीवियस स्लाइड किसी को देखना था, देख लो यहाँ पे इंटीग्रल dx/dy/dt, बस इसको कैसे निकालना है वो अपने को करना था, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताओ हमेशा अपना फॉर्मूला भी कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा फॉर्मूला, x^(n dx) = x^ क्या, n+1/(n+1), सबको क्लियर है ये फॉर्मूला, सबको क्लियर है गाइस, एकदम दिमाग में है, एकदम दिमाग में डाल दो, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, बाकी सब बकवास है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा फॉर्मूला यही काम में आने वाला है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। हाँ, कुछ कुछ एडवांस के क्वेश्चन में पूरा इंटीग्रेशन काम में आता है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, लेकिन मैक्सिमम यही फॉर्मूला अपन ज्यादा यूज करते रहेंगे नीट वाले स्टूडेंट, नीट खास करके नीट वाले एंड जेई मेन के लोअर लेवल वाले, सीईटी वालों के लिए भी, मतलब नीट सीईटी एंड जेई मेन का लोअर लेवल इसी के ऊपर आता है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल अपन 6 यहाँ पे देख लो, अब मुझे सिर्फ इसमें फर्क बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने x^3dx लिखा है कितना होगा, और यहाँ पे एग्जांपल 7 में इंटीग्रेशन ऑफ जैसे 4x^3dx लिखा है, इसका क्या होगा, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, यहां पे ये फंक्शन है, राइट, फंक्शन किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग डेरिवेटिव में भी टच करते थे, क्या याद करो, डेरिवेटिव में कांस्टेंट को वैसे ही रखते थे, अरे डेरिवेटिव में भी कांस्टेंट को वैसे का वैसे ही रखते थे, तो इसमें भी कांस्टेंट को टच नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई है ना, देखो मल्टीप्लाई है, टच नहीं करना है, वैसा का वैसा रखना है, तो यहां पे क्या होगा, मुझे होता इसका आंसर क्या था, x^ क्या, 3 क्या होता है, 3+1 मतलब 4/4, ये था ना आंसर इसका। इसमें 4 जो है ना, 4 कभी हम लोग क्या करते पता है, मतलब जनरली एक स्टेप मुझे लिखनी है तो मैं ऐसा लिखता हूं, 4 को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आओ, इंटीग्रेशन ऑफ x^3dx ऐसा करके रखेंगे, बस समझे, 4 ना 4 उसको टच नहीं करेंगे, देखो 4 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कुछ काम का ही नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का पार्ट ही नहीं है, बाहर लेके आओ उसको,
ठीक है, अब मुझे होता इसका आंसर कितना था, इसका आंसर कितना था, 4 इंटू क्या था, x टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4, तो 4 एंड 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या, x टू द पावर 4 आ गया। आपको समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है, कोई बोलेगा सर और एक एग्जांपल, तो चलो एग्जांपल और देता हूं मैं, एग्जांपल 8, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 2 इंटू x टू द पावर 8 dx, मुझे बताओ 2 को क्या करेंगे, 2 को ऐसा कैसा लिखेंगे, बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 8 का क्या होता है, 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 1 मतलब क्या, 2 इंटू x टू द पावर 9 डिवाइड बाई 9 डायरेक्ट लिख दूं मैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, बस यही आंसर आएगा 2 बाई 9 x टू द पावर 9, ये मेरा इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो एग्जांपल 6 7 8 भी आ गया, अब एग्जांपल 9 कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल 9, अब मैं करता हूं इंटीग्रेशन ऑफ, सब लोग यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ, कोई बोलेगा चलो सर इंटीग्रेशन ऑफ x बताओ क्या होगा, x dx क्या होगा बताओ, और एग्जांपल 10 इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है 2 dx क्या होगा, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, अरे सिंपल यार फॉर्मूला, x टू पावर क्या है, x टू पावर x मतलब x टू पावर 1, x टू पावर 1 1 प्लस 1 कितना हुआ 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 मतलब x टू पावर क्या 2 बाय 2, मुझे तो कोई दिक्कत है क्या इसमें, अरे कोई दिक्कत है क्या, और मुझे बताओ यहां पे 2 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो 2 को बाहर निकालो इंटीग्रेशन ऑफ dx, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या था, सिंपल था ना, ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x dy y dt t, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x। इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है सबको, जो भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख के समझ में आ रहा है गाइस, सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो जो जेवाईसी के मेरे वीडियो कैलकुलस के मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, मतलब मुझे जेई मेन जेई एडवांस नीट यही सब पढ़ाना है मैं, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के लेवल पे, ऐसा लग रहा है कि एकदम सिंपल करके बता रहा हूं मैं, और फिर अपन ऊपर ऊपर जाएंगे, ठीक है गाइस, वो बताऊंगा पहले आप, इतना मुझे बताओ इतना समझ में, इतना लिखो पहले, इतना लिख दो, और प्लीज जिन लोग का मैथ का लेक्चर, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है गाइस, प्लीज आप लोग आपका मैथ स्ट्रांग बनाओ, क्योंकि मैथ स्ट्रांग बनाने के बिना आप ये सब नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आपका मैथ स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैथ स्ट्रांग आपको बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल 8 में क्या किया मैंने, देखना यहाँ पे 2 है, ये 2 क्या हो गया, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, देखो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x टू पावर 8 आ गया, x टू पावर 8 का इंटीग्रेशन क्या होता है 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 8 प्लस 1 तो 9 बाय 9, देखो ना 2 बाय 9 तो 2 तो है ही ना, ऐसे x टू पावर 9 बाय 9 यही तो आंसर है। एग्जाम्पल 10 में क्या किया, चलो एग्जाम्पल 10 में बताता हूँ, आगे इसमें बताता हूँ, एग्जाम्पल 10 में क्या किया है मैं आज मैं आगे बताता हूँ, कुछ नहीं किया, सेम ही तो है भाई, हाँ रश्मि वो सब सोचो मत, कुछ लोग बोलेंगे सर फिर हम लोग बाकी इसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं लिख रहे, नहीं नहीं सब साथ में आता है, बताऊंगा मैं, पहले तुम इतना करो, तुम ज्यादा अभी पहले दिमाग मत लगाओ, जो अभी यहाँ पे है उतना ही दिमाग में डाल के आगे करो, आगे बढ़ू आगे बढ़ू गाइस आगे बढ़ू, ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे सर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x क्यों आया वो बताओ फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है मैं फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं, सब लोग यहां पे देखो फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx इज इक्वल टू क्या x टू पावर n प्लस 1
डिवाइड बाय एन प्लस वन। अब फॉर्मूला एकदम दिमाग में है सबके, एकदम मस्त दिमाग में है कि नहीं है, एन टू द पावर एन प्लस वन, एन प्लस वन। अब एक्चुअली मुझे बताओ, यहाँ पे जब dx होता है तो इसका मतलब क्या, वन इंटू dx होता है, वन होता है कि नहीं यहाँ पे? अरे वन इंटू dx होता है कि नहीं होता? यस। तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, वॉट इज वन, एक्स टू द पावर जीरो dx, ये पूछा है। वॉट इज एक्स टू द पावर जीरो, इसका डेरिवेशन है। एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, जीरो प्लस वन डिवाइड बाई जीरो प्लस वन। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। समझ में आया क्या? अरे भाई एक्स टू पावर जीरो को अपन वन ही लिखते हैं ना, जब मैं नॉर्मली इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स लिखता हूं तो इसका मतलब एक्स टू पावर जीरो डीएक्स लिखता हूं। ठीक है, जिसको फॉर्मूला से देखना है। अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब मैं फिजिक्स में इंटीग्रेशन का मतलब समझाऊंगा तो इसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एक अदर, एक अलग डेरिवेशन। ठीक है, अब कोई बोल रहा है कि सर इंटीग्रेशन एक्स टू पावर माइनस वन का क्या होगा, माइनस वन का वैलिड नहीं होता, मैं बताऊंगा मोक्ष, माइनस वन का वैलिड नहीं होता। ध्यान में रखना, यहाँ पे n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, एक एजम्पशन है, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, जो मैं बताने वाला था लेकिन आपने अभी पूछ लिया तो बता देता हूँ। देखो, क्योंकि n इज इक्वल टू माइनस वन होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समथिंग बाय जीरो कितना होता है, कोई भी क्वांटिटी बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट टाइप। ठीक है, तो वो चलता नहीं है। ठीक है, अभी के लिए दिस इज n नॉट इक्वल टू माइनस। तो पहले मुझे बताओ, अब यहां से इससे मुझे क्या पता चला, इससे मुझे क्या पता चला, फॉर्मूला नहीं लगाना है, इससे मुझे ये पता चला कि गाइस हमेशा ध्यान में रखना, एग्जांपल 11 लिखता हूं मैं, सब लोग यहां पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ टू डीएक्स इज इक्वल टू क्या होगा, फिर डीएक्स का एक्स होगा तो टू तो बाहर निकलेगा, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या आएगा, यहां 2x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, किसी ने बोला सर 4dx क्या होगा, व्हाट इज 4dx, डायरेक्ट लिखो अभी 4x, खत्म बात, समझे। और मैंने ये तो ऑलरेडी लिख के रखा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ, किसी ने बोला सर इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx क्या होगा, चलो अब 4x dx क्या होगा, अब यहाँ पे 4dx नहीं है, 4xdx, तो 4 तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, xdx क्या होगा, xdx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x तो पावर 1 होता है वो, राइट। तो हम लोग क्या लिखते थे, 4 इंटू क्या, x स्क्वायर बाय 2, x तो पावर 2 बाय 2 ना, समझ में आ रहा है क्या, फिर तो ये फॉर्मूला आएगा ना, कभी भी और कोई भी चीज होगी। एग्जाम्पल 15, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला 5x तो पावर 7 dx क्या होगा, 5 बाहर क्या होगा, 5 x to power 7 dx condition क्या होता है, 7 plus 1, x to power 8 by 8। ये सब अभी समझ में आए तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल लिख के दिए, ये सब कुछ आपको आता ही है, राइट। अब ये मत बोलो कि ये समझ में नहीं आया, भाई इतना मैंने बताया, मतलब इतना समझाया, ठीक है। हाँ, तो इसको ये 2 और 2 कैंसिल कर दो तो 2x क्यों आएगा, वो तो आप लिख सकते हो यार, कुछ लोग बोलेगा सर ये 2x क्यों आएगा, नहीं ये आप लिखा करो, ये 2 और 2 कैंसर, मैं तो सिर्फ आपको मेथड बता रहा हूँ, ये आगे का चीज जो है ना, सिंप्लीफिकेशन आप किया करो हमेशा, ठीक है, ये आपको करना है, मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन नहीं करवाऊंगा, आपको करना है, आपका काम है वो। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अब कोई बोलेगा सर फॉर्मूला तो एक ही यूज कर रहे, कौन सा फॉर्मूला, में हमेशा यहाँ पे जब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा, फॉर्मूला में हमेशा ऐसा बॉक्स बना के लिख के रखूंगा, एक्स टू द पावर एन डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अब जब तक आपके दिमाग में नहीं रहेगा मैं डालते रहूंगा, अब आपके दिमाग में तो गया ही होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं अच्छा वाला करता हूँ, अच्छा मतलब क्या, एग्जाम्पल सेम बस, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला अब दो टर्म, मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डीएक्स,
अब मुझे होता है यहाँ पे कितने फंक्शंस है, कितने फंक्शंस है, दो फंक्शन का क्या है, एडिशन है, एडिशन है, तो कोई बोलेगा सर इसको जरा सिंप्लीफाई करके बताओ, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन अलग प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स का इंटीग्रेशन अलग, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर डीएक्स अलग से एक्स क्यूब डीएक्स अलग से, क्योंकि एडिशन है तो प्लस भी सिंबल आ गया, राइट गाइस, मतलब ये देखो ना यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया, ये ब्रैकेट अलग, ये अलग करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन किया मैंने, अब दोनों का एडिशन किया तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बाय सी, और यहाँ पे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स पावर फोर बाय सी, फॉर्मूला कौन सा, यही फॉर्मूला लगा बराबर की नहीं, नहीं नहीं इसमें कोई चेन रूल वगैरह नहीं लगेगा, देखो इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो एडवांस के लेक्चर में मैं करवाऊंगा वो आपको समझेगा इंटीग्रेशन डिफिकल्ट क्यों है, आज शाम को एडवांस के लेक्चर में इंटीग्रेशन का मैं एडवांस पार्ट करूंगा, आपको समझेगा कि व्हाई इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही काम का है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही इंटीग्रेशन काम का है, इससे ज्यादा कुछ काम का नहीं होता, एग्जाम्पल 17 देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने कुछ ऐसा किया, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, 2x प्लस 5 dx, बताओ क्या होगा, क्या करेंगे, 2x का अलग 5 का अलग, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अलग से करोगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx अलग से करोगे, दोनों का मैंने बताया कि नहीं बताया, इसका भी तुमको बताया 2x square by 2, इसका अलग से करो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 into x square by 2, ये इसका आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx का क्या हो गया, प्लस 5x आ गया, समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, एडिशन में दोनों टर्म्स का अलग अलग, इसका भी मैंने अलग से किया था, इसका भी मैंने अलग से ऑलरेडी किया था, अब दोनों का अलग अलग, समझ में, पहले मुझे बताओ, देखो थोड़ा सा देखो, जिन लोगों को मैं एक आपको एक वापस बात बता रहा हूं, जिन लोगों को इंटीग्रेशन पहले स्टेज में समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये पहले से समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका क्या वीक है बताओ, सपोज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो डायरेक्टली आपको फर्स्ट ग्रास्पिंग में समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैथ वीक है, ये ध्यान में रखना, और जितने भी बेसिक मैथ के लेक्चर हम लोग लगाते रहेंगे प्लीज अटेंड करना, थोड़ा सा 8, 9, 10 का बेसिक मैथ भी उठा के वापस करना, ठीक है, ये लास्ट देखो, ये लास्ट स्लाइड एक बार मैं वापस दिखता हूं, मैंने हमेशा आपको बोला इंटीग्रेशन ऑफ 2dx कितना आया था, इंटीग्रेशन ऑफ 2dx की वैल्यू कितनी आई थी, देखो यहाँ पे 2x आई थी, 2 बाहर निकला था, इंटीग्रेशन ऑफ 4dx आया था, 4x आया था, कोई बोलेगा 4xdx कितना आया था, तो xdx का x स्क्वायर बाय 2 आया था, राइट, कौन सा स्लाइड तुमको दिखा रहा है, हो गया ना, अब मुझे बताओ ये, अब यहां पे इस चीज को दोनों एग्जांपल को वापस लिखो, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा करने के लिए, मैं एग्जांपल दूंगा आपको करने के लिए, पहले दोनों को लिखो फिर मैं आपको एक 3-4 एग्जांपल मैं आपको देता हूं करने के लिए, ठीक है, मैं आपको देता हूं करने के लिए, पहले आप करोगे, राइट, लिख दो एक बार लिख दो, फिर मैं आपको करने के लिए देता हूं, तो फिर आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, आगे बढ़े, चलो मैं 4 एग्जांपल आपको देता हूं करने के लिए, आप करोगे, फॉर्मूला आपको दिमाग में है ऑलरेडी, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो फटाफट,
ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, ये तो बीच में मैंने ऐसे ही दिया है, ठीक है, ये तो दोनों मैंने ऐसे ही दिया है। चलो जो भी अपना फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूला को यूज करके, फॉर्मूला क्या था यहां पे लिख के रखता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स द पावर एन डीएक्स क्या होता है, एक्स द पावर एन प्लस वन होता है डिवाइड बाय एन प्लस वन होता है, बस फॉर्मूला को यूज करके फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो भी अब तक पढ़ा है ना उसको दिमाग में, मतलब उसको लगा के दिमाग लगाओ और करो, दिमाग लगाओ और करो। जितना अभी पढ़ाया है ना गाइस पहले उतना करो, सब लोग यहां पे देखो गाइस, मैं और दूंगा पहले सब लोग यहां पे देखो वन बाय वन, पहले सब लोग बंद करो, जो भी अपना अपना कर रहे हो बंद करो। यहां पे देखो कभी कभी कुछ चीजें आपको पता है मुझे कि कुछ कुछ चीजें समझ में आती है, उसके बाद भी आप लोग को देखना है। यहाँ पे सब लोग देखो एक्स टू पावर फोर एक्स टू पावर सेवन इसका क्या होगा, एक्स टू पावर फोर का क्या होगा, एक्स टू पावर फाइव डिवाइड बाय फाइव डायरेक्ट लिख दूं मैं, अरे फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन, ठीक है तो फाइव बाय फाइव। एक्स टू पावर सेवन का क्या होगा, सेवन प्लस वन डिवाइड बाय सेवन प्लस वन, मतलब एक्स टू पावर एट बाय एट, एट बाय एट। समझ में आया सबको, मुझे होता है इतना समझ में आया, इसका अलग से करो, इसका अलग से करो क्योंकि प्लस है, ठीक है। अब क्या करो, इसका अलग से करो, इसका अलग से करो, इसका अलग से करो, तीन टर्म लिखने पड़ेंगे अपने को। अब मैं वो वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा इधर लिखा था ना, ये ऐसा दोनों ऐसा ब्रैकेट, मतलब इसका इंटीग्रेशन अलग इसका अलग, ये अभी ये जो स्टेप है ना मैं वो लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, तो एक्स का क्या होगा, एक्स टू द पावर टू बाय टू, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन, मतलब क्या, एक्स टू पावर थ्री, टू प्लस वन इज थ्री, टू प्लस वन इज थ्री। समझ में आ रहा है क्या, अरे मुझे होता समझ में आ रहा है, एक्स टू पावर थ्री क्या होगा, अब माइनस साइन को माइनस साइन वैसा का वैसा देखो, क्यों चेंज करना है, एक्स टू पावर थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री प्लस वन, तो थ्री प्लस वन इज फोर, थ्री प्लस वन इज फोर। ये समझ में आया सबको आंसर, अरे भाई समझ में आया क्या, पहले दो तो समझ में आए। हाँ अब यहाँ पे मुझे बताओ इस फोर को टच करेंगे क्या,
फोर क्या है, कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आता है, आता है कि नहीं आता, बाहर आता है, तो फोर को टच मत करो, इंटीग्रेशन इसका dx, तो इसका आंसर था 4x, 4 डेज का 4x होता है, अपने को सबको पता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी 4 को टच मत करो, 4 बाहर लेके आओ, कोई बोलेगा सर हाँ तो इंटीग्रेशन देखो 4 बाहर लेके आओ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, सबको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, अपना फॉर्मूला x पावर 1, इसे पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो क्या होगा 4 इंटू क्या x स्क्वायर बाय 2, तो आंसर क्या होगा 2x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है, फॉर्मूला वही। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अब कोई बोलेगा सर इसका जरा बताओ इसका क्या होगा, तो इसका मैं एक स्टेप और लिखता हूँ, ठीक है, चाहे तो अलग कलर में लिखता हूँ, पहले इंटीग्रेशन 2x क्यूब का अलग से होगा, तो 2x क्यूब dx अलग से इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4dx अलग से। मुझे बताओ आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन इज एक्स टू पावर 4 बाई 4, और 4dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 4x। बताओ इतना समझ में आया अभी, ये और एग्जाम्पल 22 समझ में आया क्या? देखो तुमको इतना इंटीग्रेशन जो मैंने पढ़ाया ना वो समझ में आया, मतलब फिजिक्स का इंटीग्रेशन समझ में आया, फिजिक्स में इतना ही आने वाला है काम, आपको समझ में आएगा जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा, इतना ही अपने काम में आने वाला है, अब जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सब एक्स्ट्रा है, अब जो भी इसके आगे में पढ़ाने वाला हूँ अलग अलग फॉर्मूले ये वो सब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, आपको होता है ना कुछ पढ़ने के लिए पढ़ते, तो चलो कोई दिक्कत, एग्जाम्पल 23 चाहिए तो मैं चलो इधर ही लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, डायरेक्टली आंसर लिखो इसका एग्जाम्पल 23 का, ये आपको करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, 4x2 plus 2x plus 5, एक मिनट मैं आगे के पेज पे लिखता हूँ, 4x2 plus 2x plus 5 आगे के पेज में लिखता हूँ, 4x2 plus 2x plus 5 आगे के पेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा पीछे, लेकिन मुझे तो इसका कैसे, पहले इसका देखो कैसे करेंगे, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर का क्या होगा, 4x स्क्वायर dx अलग से लिखो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अलग से लिखो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx अलग से लिखो, सबका अपने को पता है कि नहीं है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डायरेक्टली, इसका नीचे लिख दो ना सीधा, 4x स्क्वायर का क्या होगा, 4 वैसा का वैसा रहेगा, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को टच नहीं करना है, फंक्शन x स्क्वायर है, क्या करेंगे इसको x क्यूब बाय 3, दिक्कत कोई, ठीक है, प्लस ये जो टर्म है देखो ये टर्म 2 को ऐसा का, 2 को टच नहीं करने का, 2 को ऐसा का ऐसा रखो, 2 को ऐसा का रखो, x स्क्वायर बाय 2, समझ में आ रहा है, अरे x j इसका टर्म क्या होता है x पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx, 5x, बस ये मेरा आंसर है, मुझे अब कोई बोलेगा सर 2 2 कैंसिल कर दूंगा, चलो ठीक है तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, 4 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे 2 2 कैंसिल एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये मेरा फाइनल आंसर है, ये तो आप लोग ने क्या किया सिंपलीफाई किया, समझे गाइस, मुझे बताओ सबको इंटीग्रेशन क्या होता है कैसे होता है समझ में आया कि नहीं आया, अब यही तो इंटीग्रेशन के रूल है ना यार, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डब्ल्यू, U का अलग से करो, V का अलग से करो, W का अलग से करो, ये सब इंटीग्रेशन के भी रूल आ गए कि नहीं आ गए, तो गाइस सबका हो गया कि नहीं हुआ है पहले बताओ, ठीक है इसको लिखो, इसको भी मतलब एक मिनट दे रहा हूं मैं, लिख दो, एक मिनट दे रहा हूं लिख दो, आज इनका हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन लिख दो और फिर आगे का भी लिख दो,
तो गाइस अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ जो भी मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है, आपने कुछ ऐसा फंक्शन देखो ऐसा देखा, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग यू वी डब्ल्यू बोलते थे, याद है, फंक्शन ऑफ एक्स बोलते थे, इंटू डी एक्स, ऐसा था ना, इसका इंटीग्रेशन था कि नहीं था? जो भी मैंने देखा कुछ ऐसा देखा, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, वेयर दिस फंक्शन ऑफ एक्स कुड बी एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स नॉर्मल, कॉन्स्टेंट, कुछ भी अलग अलग चीज। फिर हमने क्या देखा कि गाइज इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन होगा, सपोज एफ वन ऑफ एक्स होगा प्लस एफ टू ऑफ एक्स होगा, ठीक है, और इसको डीएक्स करेंगे, तो अपन ने क्या किया यहाँ पे बताओ, प्लस या माइनस, इसका अलग से लिया, इसका अलग से लिया, यही तो रूल थे ना, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ वन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अलग से किया, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ टू एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अलग से किया, ऐसे ही तो किया गाइस। अरे गाइस जो भी मैंने अभी क्वेश्चन बताया इसका मतलब यही बताया कि नहीं बताया? अब मैंने और एक चीज बताई, मैंने आपको क्या बताई कि गाइस इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स होगा, तो हम कांस्टेंट को कहां पे लेके जाते हैं, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर लेके आते हैं और इंटीग्रेशन से फंक्शन का करते हैं, ये भी देखा कि नहीं देखा गाइस? मतलब सम कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स डीएक्स किया तो सी को बाहर निकल गए और इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स डीएक्स कर दिया अपन ने। ये सब कुछ चीज मैथ वाले सर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी जब फंक्शन वगैरह स्टार्ट होगा अगले साल तब आपको ये सारी चीजें आने वाली है। ऐसा पकड़ लो गाइस, प्रॉब्लम क्या है ना फिजिक्स वालों का, हम लोग का, अपने को ना एक साल आगे वाली चीजें ना पहले ही पढ़नी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आने वाला है। जब आप एक साल के बाद इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ोगे तो आपको इजी जाएगा, जब अच्छे लेवल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव पढ़ोगे तो इजी जाएगा, क्यों? क्योंकि एक साल आपने मेहनत की होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं बताए, डायरेक्ट 12th की चीजें फिजिक्स में 11th में मुझे पढ़ानी पड़ रही है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो कभी कभी जाएगा ही कुछ लोगों के लिए, और आज का जो एडवांस का सेक्शन है इंटीग्रेशन का वो तो बहुत सारे लोग को डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एडवांस का सेक्शन नहीं है गाइस, वो अभी आपके लेवल के लिए, आप अभी आपका लेवल बहुत ही कम है, मतलब आप अभी जस्ट अभी अंडे से बाहर आए हो, बराबर ना, मतलब 10th हो गया आपका, ठीक है, अब आप दुनिया देखने वाले हो, देख रहे हो, तो अभी आपके लेवल के लिए आज का रात शाम का सेशन इंटीग्रेशन का एडवांस का सेक्शन होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग टाइप से ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो तो मुझे बताओ पहले इतना समझ में है, जिसको चाहिए तो ये भी लिख के रखो, मतलब यही तो किया अपन ने फंक्शन में, नहीं लिख के रखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने अभी जस्ट बता दिया आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बोलो, अब मैं जो फंक्शन ऑफ एक्स किया, मैंने एक ही फॉर्मूला दिया, कौन सा फॉर्मूला? अब सारे फॉर्मूला लिस्ट, सब लोग यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिस्ट, अब मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया वो कौन सा दिया, पहला फॉर्मूला कौन सा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, क्या था वेर x टू द पावर n, क्या था फंक्शन, था ना फंक्शन इज x टू द पावर n था यहाँ पे, तो मतलब जनरली तो ऐसे ही होता है ना, फॉर्मूला में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx कुछ होगा, वेर यहाँ पे f ऑफ x क्या है, x टू द पावर n है, क्या है आंसर, फॉर्मूला क्या था भाई, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। पहले तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला आपके दिमाग में गया बिल्कुल एकदम फिट हो गया, चलो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा बताओ, अब जो फंक्शन है वो बदलते रहेगा, कुछ लोग बोलेगा सर साइन होगा तो क्या होगा, तो अपन देखते देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स, अब थोड़ा सा ना डेरिवेटिव और इसके जो अभी थोड़ा सा ना आप कुछ ये करने का सोचो, अब कंफ्यूज मत हो, मतलब कुछ लोग बोलेगा सर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंफ्यूज हो रहा है, होगा पहले लेक्चर में, मतलब आज के लेक्चर में होगा, लेकिन अभी मिक्स मत करो, अब डेरिवेटिव को एकदम भूल जाओ, दिमाग से हटा दो, अब सिर्फ इंटीग्रेशन देखो, साइन ऑफ dx का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ x, ठीक है। तुम बोलोगे सर साइन इसका माइनस कॉस x कैसे, अरे वो बाद में बताएंगे, अभी यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इसका होगा साइन x। अब तुम मुझे बताओ यहां पे क्या, साइन x के cos x के बाद क्या आना चाहिए, एक्चुअल में तो tan आना चाहिए, डिवाइड tan x आना चाहिए, लेकिन tan x होता ही नहीं है, मतलब वो बाद में अपन देखेंगे एडवांस के लेक्चर में, तो साइन एक्स है कॉस एक्स है, अभी आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब तुम बोलेंगे सर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स ये कैसे हो गया, मतलब फॉर्मूला में सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स क्यों आया, इसका होता है टेन एक्स, तो आप कुछ यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, मैं जो यहां पे फॉर्मूला लिस्ट दे रहा हूं इंटीग्रेशन की, कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका आएगा माइनस कॉट एक्स, कुछ भी थोड़ा ट्रेंड आपने ऑब्जर्व किया क्या, क्या ट्रेंड है,
ये उल्टा डेरिवेटिव था, पता है cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec square x होता है, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos square x होता है। मैंने उल्टा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिख दिए, राइट, अपोजिट है कुछ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, डेरिवेटिव के फॉर्मूला लिस्ट आपने जो चिपकाई आपके दीवार पे उसको देखो और इसको चेक करो, थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इंटू डी एक्स, ये होगा sec x, सेवन फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले आएंगे, जो डेरिवेटिव जितने फॉर्मूले थे उतने इंटीग्रेशन के आएंगे। cosec x cot x dx इज इक्वल टू आएगा माइनस cosec x। कुछ लोग बोलेंगे सर हाँ थोड़ा सा उल्टा दिख रहा है कुछ, ठीक है। लास्ट का फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx इज ln x। तो क्या ln x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, याद करो थोड़ा सा। इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट वाला, गाइस दिस इज माय लास्ट फॉर्मूला, e टू द पावर x dx इज e टू द पावर x। अब गाइस होता क्या पता है क्या, एक थंब रूल बना देते हैं हम लोग। एक थंब रूल बनाया था पहले से कि ये सारे जो फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के, उसमें ना एक एडिशनल कांस्टेंट ऐड किया जाता है, एक एडिशनल कांस्टेंट ऐसे ऐड करते हैं, कांस्टेंट प्लस सी। ये है, ये मतलब रिचुअल होता है, रिचुअल, ठीक है। मतलब खाने के पहले कैसे आप हाथ धोते हो, वैसे एक रिचुअल है। कोई भी इंटीग्रेशन का सम होगा ना, प्लस सी डाल देगा, प्लस सी बिना सोचते प्लस सी डाल देगा, प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, ये फॉर्मूला है प्लस कांस्टेंट। तो जो भी अपने अभी फॉर्मूला आए ना, जो भी अपने रिजल्ट आए थे, देखो यहाँ पे इसमें आंसर फाइनल क्या होगा, प्लस कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे आंसर आया था क्या, प्लस कांस्टेंट, प्लस सी, प्लस कांस्टेंट, प्लस सी, ठीक है। जो भी जहां जहां भी जो भी आंसर आया था इधर प्लस सी, क्यों पूछो मत, डाल दो, बाद में बताऊंगा क्यों, ठीक है। यह समझ में आया, अरे मत पूछो ना सी क्या है, मैंने क्या बोला, डाल दो पहले। सी इज नॉट स्पीड ऑफ लाइट, इट इज कांस्टेंट। सी का स्पेलिंग आपको पता है कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जो पहला वाला लेटर है सी, उसको ले लो, उसको ही कांस्टेंट सी बोलते हैं। सी इज नॉट, हाँ कार्बन का भी ले लो, चलो भाई तुमको चाहिए तो कार्बन लिख दो। अब किसी को केमिस्ट्री में मजाक उड़ाना है तो बोलो इंटीग्रेशन में भी सर कार्बन आता है। तुमको ये समझ में आया, मतलब समझना क्या है यार, लिख लो यार, इसको रट लो, ये भी एक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो रटने हैं आपको। अब कोई बोलेगा सर फिर इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा, सर इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा। गाइज वो बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए ये उसको समझने के लिए आपको बहुत अच्छा मैथ आना चाहिए, ठीक है, जो मैं आज के एडवांस के लेक्चर में पढ़ाने वाला, ठीक है। लेकिन अभी अपने फिजिक्स के लिए उसकी कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने वो फॉर्मूले लिख के भी नहीं दिया, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही काम का है अपने को, ज्यादा फिजिक्स में काम में नहीं आने वाला है, मैं वापस बोल रहा हूँ। जब आएगा 2-3 महीने में कैलकुलस इंटीग्रेशन का पार्ट वापस पढ़ा दूंगा मैं, मतलब अच्छा वाला पार्ट जो थोड़ा ट्रिकी होगा वापस पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो गाइस, ठीक है। चलो इसको लिख दो, इसको लिख के हो गया गाइस सब लोग का। ऐसा लिखो फॉर्मूला लिस्ट, और ये फॉर्मूला लिस्ट भी आपके कवर्ड के ऊपर, दीवार के ऊपर अलग से पेज पे जानी चाहिए, और फॉर्मूले एकदम दिमाग में रहने चाहिए, मतलब भूलना ही नहीं है, इन सब फॉर्मूला को बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है। कोई दिमाग वाला होगा बंदा, कोई दिमाग वाला होगा तो सिर्फ डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखेगा, इन सबका डेरिवेटिव है ये, इन सबका इंटीग्रेशन है ये, यही तो दिख रहा है ना आपको, इन सबका डेरिवेटिव है ये, इन सबका इंटीग्रेशन है ये, क्या है, कुछ नहीं है। देखो अच्छे देखो, समझ में आ जाएगा। हाँ अभी कुछ लोग, बहुत सारे लोग बता रहे, हाँ याद हो गया सर, याद हो गया सर, याद हो गया सर, बिल्कुल याद हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में बिल्कुल फिट बैठाओ इसको, ठीक है। हाँ तुम तो स्मार्ट हो ही भाई, तुम लोग तो स्मार्ट हो ही, स्मार्ट हो, स्मार्ट हो।
ई का मीनिंग एक्सपोनेंशियल होता है, वो भी मैथ्स में आएगा, लॉक भी मैथ्स में आएगा, वो पढ़ाने वाले अभी, ठीक है, छोटा सा बेसिक मैथ्स अमन सर भी पढ़ाएंगे आपको बेसिक मैथ्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, मैथ के असिस्टेंट टीचर कौन है वो आतिफ सर को पूछो, उधर भी दो तीन दो टीचर्स हैं, मैथ के असिस्टेंट टीचर में दो टीचर्स हैं, मतलब एक निखिल सर है जो अभी आईआईटी धनबाद से ही है, एक बार पूछ लो, मतलब मैं उनको पूछ लू, उज्ज्वला मैडम है राइट मैथ्स में। चलो मैं आगे, अरे आगे बढ़ू क्या, अरे भाई आगे बढ़ू क्या, लिखो फटाफट, कुछ लोगों ने लिखा नहीं है भाई, फटाफट लिखो, मैं एक मिनट दे रहा हूं आपको, लास्ट का एक मिनट आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट का एक मिनट आगे बढ़ रहा हूं। चलो आगे बढ़े, अब गाइस होता क्या पता है, सब लोग यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, कोई बोलेगा सर tan x कितना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना है, सर इंटीग्रेशन मतलब जो नॉर्मल अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उसका तो आपने इंटीग्रेशन दिया ही नहीं, मैंने बताओ ये फॉर्मूला में मैंने दिया क्या, इसका सबका मैंने फॉर्मूला में मैंने क्या दिया, फॉर्मूला में तो भी कुछ sec square x का दिया, cos x square x का दिया, sec x tan x का दिया, cos x cot x का दिया, इसका तो दिया ही नहीं जो अपने सिंपल है गाइस, इसके फॉर्मूले में आपको बाद में लिखवा के दूंगा, लेकिन अभी फिजिक्स में कोई उसका काम नहीं है, लेकिन ये इसका डेरिवेशन जो होगा वो आज आपको समझ में आएगा एडवांस लेक्चर में, उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो अभी के लिए ज्यादा अपने को काम की नहीं है, लेकिन मैं आज और रात के शाम के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जिसको अटेंड करना है अटेंड करो, समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत, क्योंकि हमारा फिजिक्स रुकने वाला है नहीं, ठीक है, ये बाद में करेंगे, अभी मैं छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि ये सब मतलब कैसे करना है बाद में बताऊंगा, पहले इतना समझ में आया तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जाम्पल मेरा कौन सा चल रहा था यहाँ पे, एग्जाम्पल मेरा कौन सा था यहाँ पे 23 चल रहा था, 23 ठीक है, चलो एग्जाम्पल 24 यहाँ पे सब लोग देखो, अब हमने क्या किया, अब मैंने दिया इंटीग्रेशन ऑफ x द पावर 4 प्लस साइन x dx, भाई क्या होगा इसका, ये एक फंक्शन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 5/5, कोई दिक्कत, x द पावर 5 का 5/5 फॉर्मूला लगाओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, अब गाइस साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना है, अब फॉर्मूला शीट आपके सामने रखो, साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस एक्स है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, समझ में आया, और अपना फेवरेट प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट रख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लिख दो इसको प्लस सी, ठीक है। अब एग्जाम्पल 25 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देखो, अब मैं यहां पे दे रहा हूं 4 sin x, ठीक है, प्लस 5e to the power x dx, क्या होगा बताओ, सिंपल भाई सिंपल, 4 sin x प्लस 5e to the power x, अब तुम बोलोगे 4 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कुछ लोग बोलेगा सर ऐसा लिखो 4 sin x dx का इंटीग्रेशन अलग से, ठीक है मैं अभी एक स्टेप और बढ़ाता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5e to the power x dx अलग से, मुझे बताओ यहाँ पे 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को टच करते हैं क्या हम,
क्वेश्चन को टच करते क्या नहीं करते, वैसा का वैसा लिखते, तो फोर ऐसा का ऐसा लिखो। साइन एक्स का डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आ गया, तो माइनस फोर कॉस एक्स आ गया इसका। प्लस ये फाई को ऐसा का ऐसा रखो, ई टू द पावर एक्स डीएस का इंटीग्रेशन क्या था, ई टू द पावर एक्स ही था। देखो आप ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन देख लो क्या था, वही था। तो यहाँ पे फाइव ई टू द पावर एक्स का वैसा रहेगा, और अपना कॉन्स्टेंट समझ में आ रहा है क्या, मुझे बताओ। ये मेरा इसका आंसर है, सबको समझ में आया? अरे सबको समझ में आया। अब जाए एग्जाम्पल 26, अब एग्जाम्पल हो गया 26, एग्जाम्पल 26। अब यहाँ पे देखो कोई बोलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों आपको लिख के रखने हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फाइव एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस फोर साइन एक्स प्लस फाइव डीएक्स, बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा बताओ। इन दोनों को लिखो, फिर इसको लिखो, फिर मैं आपको चार पांच क्वेश्चन में आपको देता हूं, ठीक है, चार पांच क्वेश्चन में आपको देता हूं। सारा फॉर्मूला लिस्ट एक बाजू में लिख के रखो, फॉर्मूला लिस्ट बाजू में लिखो, उसको ही देख के इसका सॉल्व करना है, इसको ही देख के इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। फाइव एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर से क्या होता है भाई, टेन एक्स था। अरे भाई देखो ना फॉर्मूला, देखो अच्छे से, अरे फॉर्मूला अच्छे देखो ना, फाइव टेन एक्स था, इसका इंटीग्रेशन क्या था, फाइव को ऐसा का ऐसा रखो, फाइव का क्या था, फाइव टेन एक्स था, साइन एक्स का क्या था, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस फोर कॉस एक्स, प्लस फाइव का इंटीग्रेशन क्या था, फाइव डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या है, अरे फाइव डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या, अरे जीरो मत करो, डेरिवेटिव नहीं है वो, जीरो मत करो, फाइव का क्या होता है, फाइव डी एक्स, फाइव एक्स होता है, हाँ फाइव एक्स, ठीक है। और अपना भूलो मत कांस्टेंट, भूलो मत कांस्टेंट, अपना बहुत ही काम की चीज है भाई, ठीक है, कांस्टेंट से अपनी जिंदगी जुड़ी है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन की कांस्टेंट से जिंदगी जुड़ी है, क्यों बाद में बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ लिखो, ठीक है, कोई पंगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो इतना समझ में आया। नहीं, तेरे का भगवान नहीं है, भगवान मतलब वो होता है कि जिसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, प्लस कॉन्स्टेंट ठीक है यार, कभी कभी कुछ लोग भूल भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, भगवान तो अपना एक ही है भाई, पाइथागोरस, और ये श्रेया ठक्कर ने कुछ अलग लाया है, कौन सा वो, अभी तक मैंने वो बुद्धाया थ्योरम देखा नहीं है, मैं देखता हूँ। चलो मुझे बताओ पहले, ये समझ में आया, ये समझ में आया, चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, एक मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला लिस्ट आपके दिमाग में एकदम अलग से लिखा है अपने, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं पता है, फॉर्मूला लिस्ट को लिखते हैं, इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता कभी, मैं बताऊंगा तुषार, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिस्ट को ना अलग से ऐसा पेपर फाड़ के कहीं पे लिख दो, ठीक है, एक पेपर ऐसा मतलब आपके सामने, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ना हमेशा आपको ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ ये इसका फॉर्मूला क्या था, ऐसा करने की फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, फटाफट फॉर्मूला लिखने का, क्वेश्चन में डालने का, आंसर निकाल देने का, ठीक है, जब तक आपके फॉर्मूला याद नहीं रहते, तब जिसको याद हो गए बहुत ही अच्छी बात है भाई, सपोज आपके फॉर्मूले याद हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखे हम लोग ब्रेक लेते हैं, पहले एक क्वेश्चन करें, इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं, फिर लास्ट का फॉर्मूला कहाँ से है, मतलब अपना काम हो गया, इतना होने के बाद अपना काम हो गया, इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा क्या करेंगे बता, इंटीग्रेशन के ऊपर थोड़ा सा आरएनडी करेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आए कहाँ से। तुमने ना देखा है ना एंटी डेरिवेटिव, देखा होगा डेरिवेटिव का उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा है, राइट, ठीक है, कुछ तो है, तो अभी कहाँ से है अपन देख लेंगे। एक अच्छी बात है इंटीग्रेशन में गाइस, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये सब कुछ
ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, अभी नहीं पढ़ते, कुछ भी काम नहीं है उसका, चेन रूल नाम की चीज इंटीग्रेशन में होती नहीं है। तो इंटीग्रेशन में अभी के लिए आपके लेवल पे ना प्रोडक्ट रूल है, ना चेन रूल है, ना डिवीजन रूल है, तो मुझे तो इंटीग्रेशन सिंपल हो गया कि अब तक सिंपल हो गया ना एकदम। एक्चुअल में देखा गया तो इंटीग्रेशन एकदम सिंपल हो गया अभी के लिए। हाँ, शाम का लेक्चर बैठो फिर आप फालतू नहीं बोलोगे। शाम के लेक्चर वो तो ऐसे ही है, वो काम का नहीं है, फिजिक्स में काम में नहीं आने वाला, मैं वापस बोल रहा हूँ आज शाम का। लेकिन इंटीग्रेशन जो जेई एडवांस का अगले साल जो मैथ्स में पढ़ेंगे, जो अगले साल लोग मैथ्स में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, वो आपको समझ रहा ना, मतलब मैं ऊपर ऐसा देख रहा हूं ना, कुछ कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं जेई एडवांस में, ठीक है। अपने फिजिक्स के लिए अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया हो गया, इतना ही है, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको लिखता हूँ, फटाफट आप लोग करोगे सब लोग यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, चलो इन चार क्वेश्चन को फटाफट करो, इन चार क्वेश्चन को फटाफट करो फॉर्मूला यूज करके। sec x tan x है ना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ tan x थोड़ी है वो। नहीं, जिन लोग का स्केलरेटर पूरा हुआ नहीं है, कुछ लोग आप में स्केलरेटर पूरा नहीं है, उनका वाइवा नहीं होगा, या फिर जब भी उनका वाइवा होगा तो बोल दो सर को कि मतलब हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। सबका हो गया गाइस, ठीक है करो, दे रहो दो मिनट, दो मिनट, दो तीन मिनट और।
नीट वालों के लिए भी तुम लोग को बैठना है तो बैठो, लेकिन समझ में नहीं आएगा नीट वाले लोग, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बैठना है तो बैठ सकते हो, ऐसा कोई ना, ऑप्शनल है बोला ना मैंने, मेरा 7 to 8 का लेक्चर ऑप्शनल है, आने का समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो चला जाएंगे, क्वेश्चन नहीं पूछने का ऐसा क्यों ऐसा क्यों, वो लेक्चर थोड़ा सा अलग लेक्चर है, रेगुलर लेक्चर ये जो लेक्चर होता है उसमें मैं आपके हर एक के आंसर दूंगा, स्लो पढ़ाऊंगा, एडवांस प्लस लेक्चर में मैं फास्ट पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको रिकॉर्डिंग आपको चाहिए तो देख लो, उधर एकदम भागेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर सिर्फ एडवांस में मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है, जो धीरे धीरे उसकी लेवल और बढ़ेगी, एडवांस प्लस लेक्चर की लेवल और बढ़ेगी, ठीक है, अब जुलाई मंथ चालू होगा अपना, जुलाई मंथ में और बढ़ेगी लेवल, बीच बीच में अपने फंडे लेक्चर भी होंगे, फंडे मतलब मैं फंडे दूंगा, कौन से कॉलेजेस जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब फंडे लेक्चर होते हैं, फंडा लेक्चर बोल दूंगा मैं अभी, आज फंडा लेक्चर है, ठीक है, तो फंडा लेक्चर मतलब फंडे लेक्चर में बैठने का, ठीक है, चलो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो मुझे होता व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, हर एक का अपना अपना करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाय थ्री, अपना फॉर्मूला लगा एक्स द पावर एन प्लस वन एन प्लस वन, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, होता है, ठीक है, प्लस यहां पे क्या हो गया कांस्टेंट, आंसर आ गया, मुझे तो पहले का हो गया, इस फंक्शन का अलग, इस फंक्शन का अलग लिख दिया मैंने, ठीक है, अब यहां पे इस फंक्शन का अलग, इस फंक्शन का अलग, अब 4x³ में 4 वैसा का वैसा, x³ का क्या होता है x टू द पावर 4 बाय 4, अब यहां पे 4 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, अब 2 cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, not minus sin x, sin x, तो यहाँ पे 2 cos x का क्या होगा, 2 sin x होगा, 2 ऐसा का वैसा, प्लस क्या हो जाएगा, constant, समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे, यहाँ पे कोई चाहिए तो 4 and 4 को कैंसिल कर दो, तो x to power 4 plus 2 sin x plus constant, समझे गाइस, इसका क्या होगा, अब इसका थोड़ा सा मैं लिख के रखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, अब कुछ लोग मुझे होता है x टू पावर n फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला है, देखो पहले फॉर्मूला में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज नॉट वैलिड फॉर n, मतलब n नॉट इक्वल टू माइनस 1, ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूले में क्या लिखा था, n नॉट इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 का मतलब क्या होता है, वॉट इज 1 बाय x, वॉट इज 1 बाय x, x टू पावर माइनस 1, अरे x टू पावर माइनस 1 का मतलब ही होता है 1 बाय x dx, तो 1 बाय x dx के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है, देखो ना इसके एकदम सामने मैंने लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा था इसके सामने, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx का कौन सा फॉर्मूला है, ln x है, गलतियां मत करो, इसको थोड़ा सा ये स्टार मार्क करके रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx ये फॉर्मूला से नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला से करेंगे, समझे गाइस, गाइस समझ में आया, ठीक है, तो मुझे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन x dx का आंसर क्या होता है x square by 2 प्लस इंटीग्रेशन 1 by x dx का क्या होता है ln x, ये मेरा आंसर है, बहुत सारे लोगों ने इसमें गलती की होगी, ये आया नहीं होगा, प्लस कांस्टेंट, समझे, इतना मुझे बताओ इतना सबको समझ में आया, अब तक जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया, और फाइनली क्या होगा, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ फाई cos x, फाई cos x इज व्हाट, फाई अगेन फाई sin x, cos x square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x, माइनस 4 cot x, ठीक है, और फाई dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5x, और फाइनली क्या, प्लस c, गाइस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, ये क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे कि इंटीग्रेशन 1 बाय x dx वापस बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला लिस्ट देखो यार, ये होता है ना, फॉर्मूला लिस्ट देखो तो आपको समझ में आएगा, ये होता है, व्हाट इफ यू फॉरगेट टू राइट प्लस सी, तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स कटेंगे, जेई नीट में तो वैसे भी कटेंगे नहीं क्योंकि कोई देखने वाला है, ठीक है, हाँ बोर्ड्स में आपके मार्क्स कटेंगे, जो बोर्ड्स की एग्जाम होती है 12th की उसमें आपके मार्क्स कट कर देंगे, ठीक है,
मुझे तो इतना सबको समझ में है गाइस, इतना सबको समझ में आया। चलो ठीक है, तो 3:05 हुआ है अपने को, कितने बजे मिलना है बताओ, कितने बजे मिलना है गाइस, मिलना कितने बजे? 3:10, 3:15, 3:15 को मिलते हैं, ठीक है, 3:15 को मिलते हैं गाइस। और इंटीग्रेशन अपना खत्म हो चुका है, अब मैं आपको बताऊंगा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कहां से आए, ठीक है, फॉर्मूला का डेरिवेशन, इंटीग्रेशन देखो डेरिवेटिव के फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कहां से आए वो बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो इजी है, ठीक है, सी की कुछ वैल्यू नहीं होती, तुम अभी दिमाग मत लगाओ, पहले मुझे होता इतना समझ में आ रहा है सबको, इतना समझ में आ रहा है गाइस, 27 वाला नहीं समझा तो एक बार देख लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3 होता है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेक्स टेन एक्स जे एक्स का क्या फॉर्मूला है, देखो सेकेक्स होता है, फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला लिस्ट मैंने क्या बोला है भाई, फॉर्मूला जाके एक बार अपने फॉर्मूला का पेज, एक पेज पे लिखो फॉर्मूला इंटीग्रेशन के, और फॉर्मूला जो है वो निकाल के आपके सामने रखो, ठीक है, तो ही समझ में आएगा, मैंने हमेशा हमको आपको बोला राइट, नहीं तो समझेगा नहीं, मैं ये पेज लिख देता हूं और जो फॉर्मूला आपने लिखे हुए हैं वो फॉर्मूला को वापस एक बार लिखो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो बाय गाइस, बाय गाइस, मतलब मिलते हैं।
चलो गाइस स्टार्ट कर आगे बढ़े। एकदम मजा। एक मिनट चलो शाम को वापस मिलना ही यार, 7 बजे वापस मिलना ही अपने को, ठीक है। लैगिंग कहाँ पे लैगिंग वगैरह कुछ थोड़ी है। हाँ कॉफी नहीं आज चाय पी ले। इंस्टेंट टी होता है ना, इंस्टेंट टी के पैकेट्स आते हैं जो सब फटाफट ऐसा करने का पी लेने का। फ्लाइट्स में ज्यादा इंस्टेंट टी के पैकेट फ्लाइट्स में ज्यादा देते हैं। स्क्रीन ब्लर नहीं है मेरा, स्क्रीन सही है एकदम प्रॉपर, स्क्रीन वगैरह सब दिख रहा है प्रॉपर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सही है तो फिर तुम लोग का प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे भी इंटरनेट भी अपना अच्छा वाला इंटरनेट है, ये तो पंगा नहीं करेगा। ये भी 300 Mbps वाला इंटरनेट यहाँ पे अभी है जो एकदम बाजू में ही है, ठीक है। चलो अब यहां पे मुझे बताओ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले सारे हो गए, इंटीग्रेशन क्या है वो हो गया। अब कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मतलब इंटीग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहां पे सब लोग, मैं यहां पे अभी मैं उल्टा जा रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है गाइस। इंटीग्रेशन के 2 से 3 मतलब होते हैं गाइस, इंटीग्रेशन के 2 से 3 मतलब होते हैं, ठीक है। 2 to 3 मीनिंग्स इंटीग्रेशन के, मैं यहां पे सबको लिखता हूं, यहां पे 1 2 3, ये मैंने पहले ही बोला था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन नथिंग बट व्हाट, एडिशन राइट। हाँ उसके बाद इंटीग्रेशन हमको क्या देगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मतलब देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। इंटीग्रेशन के फॉर्मूला कहां से डिराइव होंगे, एंटी डेरिवेटिव से और, ठीक है। तो ये मतलब है इसका, ये मतलब क्या मीनिंग, ठीक है। ये होता है फॉर्मूलाज डेरिवेशन, इससे अपने को क्या मिलेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे अपन, फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंटी डेरिवेटिव से। और तीसरा जो मैं यहां पे लिखूंगा वो होता है इसका एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का काम क्या है, तो ये भी हम लोग देखेंगे बाद में। एरिया अंडर द कर्व, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस इज माय एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व मतलब कोई भी कर्व होता है उसके अंदर का एरिया फाइंड आउट करना, इंटीग्रेशन से निकालते हैं अपन, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो भी मैंने अभी आपको बताया वो मिलते हैं एंटी डेरिवेटिव से, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है। ये आपको सबको लिख के रखना है, मैं एक एक का मतलब आपको समझाता हूं अभी। जो भी अपने को फिजिक्स में लगने वाला काम है वो हो चुका है, ये इंटीग्रेशन जो भी अभी मैं पढ़ाने वाला हूं ये एक बोनस चीज मतलब पता होना चाहिए ना हम लोग कर क्या रहे, किसके साथ खेल रहे। इसको इन डेप्थ 12th में पढ़ा जाएगा, टेंशन मत लो। अभी के लिए व्हाट इज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन का मतलब एकदम सिंपल सा, पहला वाला मतलब समझाता हूं मैं यहाँ पे। यस यहाँ पे सब लोग लिखो, आप लोग ये लिखना आपको, ठीक है। पहले यहाँ पे सब लोग सुनो, व्हाट इज एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा जब मैं गाइस हम लोग ऐसे लिखते हैं 1+2+3+4+5+ ऐसा डॉट डॉट करते, इसको हम लोग क्या लिखते, याद करो, इसको हम लोग लिखते सिग्मा। आपको पता है सुमेशन करके एक टर्म आता है, समेशन, ठीक है। समेशन बोलते, सुमेशन बोलते लोग, सिग्मा ऐसा करके टर्म आता है, सिग्मा ऐसे, ठीक है। सिग्मा एन, वेन एन इज इक्वल टू 1 to जितने भी नंबर, जैसे इनफाइनाइट 1+2+3+4+5+6+7+, तो अब क्या होता है बताए, जब हम लोग समेशन लिखते हैं, अब मैं क्या करूंगा मुझे बताओ, मुझे मैंने एक टर्म लिया dx, अब ये dx टर्म है उसको मुझे ऐड करना है, तो मुझे बताओ dx टर्म मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है x, उसको मैंने छोटा तोड़ दिया तो क्या बनेगा dx। अब मुझे बताओ dx, कितने dx को मैं ऐड करूंगा तो x बनेगा, कोई बोल सकता है कितने dx को मैं ऐड करूंगा तो x बनेगा, इनफाइनाइट। अरे एक बात बताओ ना मुझे, इनफाइनाइट ना, इनफाइनाइट का मतलब क्या है,
डीएक्स का मैंने बोला था आपको याद है, डीएक्स टर्म कितना छोटा होता है, यस एक्स बाय डीएक्स, लेकिन एक्स बाय डीएक्स मतलब कितना हुआ बता मुझे, डीएक्स टर्म एकदम छोटा होता है, जितना आप सोच सकते हो उतना छोटा। डीएक्स का मैंने क्या बोला था, डीएक्स मतलब ऐसा पकड़ लो 10^-1 lakh, 10^-1 crore, 10^-100 crore, इतना छोटा नंबर इज डीएक्स। अब इतने छोटे नंबर को मैं ऐड करूं और मुझे एक्स बनाना है, तो मुझे इनफाइनाइट डीएक्स नंबर को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, इनफाइनाइट डीएक्स को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूं गाइस, मैं इसको सुमेशन, देखो यहां पे ऐसा इनफाइनाइट डीएक्स को मैं ऐड करूंगा तो ये जो सिंबल होता है यहां पे, ये मेरा सिंबल ऐसा नहीं लिखते, आपको लिखना पड़ता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, क्या लिखना पड़ता है, तो ये मेरा टर्म ये हो गया, समझे गाइस, ये जो टर्म है सुमेशन या समेशन, ये टर्म मेरा ये हो गया, समझे क्या, बस कुछ नहीं, मतलब जो अपन सिग्मा ये टर्म यूज करते थे ऐसा वाला टर्म बचपन में, अब हम बड़े हो गए, अंडे से बाहर आ गए, क्योंकि टेंथ के टेंथ में अंडा फूट गया ना, बाहर आ गया, तो अब इसके जगह ये टर्म यूज करेंगे, नाग वाला, देखो नाग सांप, सांप भी ऐसे ही होता है, ठीक है, तो सांप वाला टर्म ऐसा यूज करने का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, काम खत्म, समझे गाइस, इतना लिखो पहले, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे बताओ सिग्मा ऑफ डीवाई के जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई लिखेंगे, सिग्मा ऑफ डीजेड के जगह हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीजेड लिखेंगे, बस मतलब सिग्मा टर्म, ये जो टर्म है ये टर्म मेरा रिप्लेस हो गया इस टर्म से, समझे, ठीक है गाइस। अरे मुझे बताओ इसमें 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 कोई दिक्कत है क्या, अब तक इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े, लिख लो लिख लो लिख लो, कुछ हुआ नहीं कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही चलो, ओके, ये सिंबल तुम लोगों को नहीं था क्या, ये सिंबल मतलब शायद से फिर एसएससी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में था, तुम लोग के भी होना चाहिए, आईजी बोर्ड में नहीं था क्या सिंबल, ऐसा वाला सिंबल नहीं था, ऐसा ऐसा सिंबल होता है सिग्मा, सिग्मा करके सिंबल होता है था, तो सिग्मा ऑफ हम लोग बोलते हैं ना एन स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है, 1^2 + 2^2 + 3^2, इसका मतलब ऐसा होता है, n = 1 to 5 वगैरह ऐसा कुछ कुछ होता था ना, हाँ ठीक है चलो, अब वैसे भी अपने को सिग्मा टर्म यूज तो करना नहीं है, इंटीग्रेशन करना है, आगे चलते हैं, अब हम लोग बोलेंगे सर एंटी डेरिवेटिव, अब बोलेंगे सर जितने भी अपने आप यहां पे देखोगे, जितने भी अपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे, आप देखोगे फॉर्मूला यहां पे देखो, सारे जो फॉर्मूला थे कहां से आए थे, ये फॉर्मूला आए थे आपने देखा होगा, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, देखो टेरेस का डेरिवेटिव sec square x, cotx का डेरिवेटिव cosx square x, secx का डेरिवेटिव secx tan x, cosx का डेरिवेटिव cosx, तो ये डेरिवेटिव ऐसे उल्टा है, ln x का डेरिवेटिव 1 / e^x, तो अपन ने उल्टा किया, ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सी बात बताऊ गाइस, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, 9 जो फॉर्मूले आए वो एक्चुअल में डेरिवेटिव से आए थे कि नहीं, डेरिवेटिव से आए थे, तो डेरिवेटिव का उल्टा फॉर्मूला, उल्टा मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव, अरे डेरिवेटिव तो उसका उल्टा फॉर्मूला मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, सिंपल, एक होता है डेरिवेटिव, दूसरा क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, अब यहां पे एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझते हैं, पहले सब लोग यहां पे देखो, सब लोग यहां पे देखो,
अब थोड़ा सा ना मतलब ये मत करो, y इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या था, व्हाट इज dy बाय dx, कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को एक साथ पढ़ते तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जनरली कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। y इज इक्वल टू एक्स टू पावर एन होगा तो dy बाय dx क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। अब दिमाग में लोग क्या है, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है ये नहीं, एन एक्स एन माइनस वन ये था कि नहीं, बराबर। y इज इक्वल टू, अब ठीक है पहले इसको पहले लिखता हूं मैं, अब क्या करने का गाइस, मुझे मैं एक छोटा सा चीज आपको बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है, और वैसे मैं लास्ट के लेक्चर में बताने वाला हूं ये सब चीज। मैंने ऐसे बोला y इज इक्वल टू, मैंने ऐसा बोला x टू पावर फाइव है तो व्हाट इज dy बाई dx, व्हाट इज dy बाई dx, फाइव एक्स टू पावर फोर, फाइव एक्स टू पावर फोर। अब गाइस मैं ऐसा नहीं लिखूंगा इसको, अब मैं देखो कैसा लिखूंगा गाइस, मैं इस dx को इधर लेके जाऊंगा, dy बाई dx है ना, इसको इधर लेके जाऊंगा और ऐसा लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बताए, dy इज इक्वल टू फाइव एक्स टू पावर फोर dx, कैसे लिखूंगा, y इक्वल टू एक्स टू पावर फाइव को क्या लिखूंगा, dy फाइव एक्स टू पावर फोर dx, समझे, मतलब मैंने ऐसा लिखा, सब लोग यहां पे देखो y इज इक्वल टू एक्स टू पावर फोर, तो बताओ मैंने क्या लिखूंगा, dy इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, फोर एक्स क्यूब dx, समझे क्या गाइस, मतलब dy बाई dx लिखने से अच्छा मैंने dy dx को उधर लिखा, बाकी कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। इसको मैं लास्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में चेंज रूल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको इतना दिमाग में रखो, ठीक है। अब मुझे तो y इज इक्वल टू, अब यहां पे बताओ मुझे x टू पावर एट क्या होगा, व्हाट इज dy, dy क्या होगा, एट एक्स टू पावर सेवन, अपना ये फॉर्मूला वही रखो, बस dy बाय dx लिखते थे वो dx को उधर लिखो बस, ठीक है गाइस। इसको ये जो फॉर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, मतलब एक काम में आएगा, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि मतलब एक काम में आता है ये, बहुत ज्यादा काम में आता है इंटीग्रेशन में। लेकिन मुझे बताओ y इक्वल टू एक्स टू पावर एट होगा तो dy क्या होगा, एट एक्स टू पावर सेवन dx, बहुत काम में आने वाला है सब चीज, ठीक है, बहुत काम में आने वाला है सब चीज, ठीक है गाइस। मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है, ये कुछ है इसमें, कुछ नहीं था, मतलब एक और एग्जांपल देता हूँ, y इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने बोला y इज इक्वल टू, मैंने बोला चलो x टू पावर लेट्स से 10, तो क्या होगा बताओ, व्हाट इज dy, dy क्या होगा, 10 x टू पावर 9 dx, कोई पंगा है, कोई पंगा है, अरे कुछ नहीं यार, क्या है, कुछ नहीं है, बच्चों वाली चीज है, बराबर कुछ नहीं है ना, हाँ। अब सब लोग यहां पे देखो, अब सब लोग यहां पे देखो, इसको लिख के रखते हैं, इसको लिख के रखते हैं, इसको अभी तक कोई दिक्कत है इसमें, इसमें अभी तक कोई पंगा नहीं है ना किसी को गाइस, एक आध दो एग्जांपल लिख के रखो, ऐसे एक आध दो एग्जांपल लिख के रखो, और लिखो इंटीग्रेशन फॉर्म डेरिवेटिव का, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ऐसा करके इसको लिख के रखो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब सब लोग ध्यान से सुनो यहां पे, अब जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो, ज्यादा ध्यान से सुनने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मुझे बताओ जब मैं dy को, मैं मुझे तो dy को y कैसे बनाऊंगा, dy से y बनाना है तो dy को मुझे ऐड करना पड़ेगा, सब छोटे छोटे dy 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 इनफाइनाइट dy को ऐड करूंगा तो y बनेगा, मतलब मुझे dy का क्या करना पड़ेगा, मुझे dy का क्या करना पड़ेगा, dy का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो मुझे y बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ y मतलब समेशन ऑफ y करूंगा, समेशन मतलब इंटीग्रेशन, अभी तो समेशन वर्ड यूज ही करूंगा नहीं मैं, इंटीग्रेशन वर्ड, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy बिकम्स y, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dz इज z, ये सब कुछ तो हुआ, ठीक है। अब सब लोग यहां पे देखो, अब जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू मैंने लिखा साइन x, क्या लिखा साइन x, y इज इक्वल टू लिखा साइन x, तो मुझे बताओ इसको डेरिवेटिव करेंगे dy,
तो डीवाई से क्या मिलेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और डेरिवेटिव का भी फॉर्मूला याद रखो कॉस एक्स, और यहां पे डीवाई बाई डी एक्स लिखने जैसे डीएक्स में इधर लिखता हूं। इतना मुझे बताओ समझ में आया क्या, इधर से समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड, कैन आई टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड? तो इफ आई टेक इंटीग्रेशन बोथ द साइड, मुझे बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy? तो अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dy गिव्स मी y, लेफ्ट साइड देखो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy गिव्स मी y, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx गिव्स मी व्हाट? अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो, नहीं नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx गिव्स मी व्हाट, sin x, डायरेक्ट sin x, जो फॉर्मूला लिख रहे वही देखो ना यार। तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां पे मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या मिल गया मुझे, यहां पे sin x मिल गया, मेरा फॉर्मूला आया कि नहीं आया? तो मुझे बताओ नीचे हम लोग इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, नीचे आने वक्त हम, तो y का dy बन गया उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, तो मुझे तो dy का जो y बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, बराबर कि नहीं? अरे y का dy बनेगा, sin x का cos x dx बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डेरिवेटिव, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव, और इसको मतलब एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी क्या होता है, इंटीग्रेशन। बट किसी ने आपको पूछा ना, अरे मुझे बताओ इंटीग्रेशन का मतलब बताओ, तो आप लोग एंटी डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे। सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन, इंटीग्रेशन मैथमेटिकली इट इज एंटी डेरिवेटिव। देखो इंटीग्रेशन मैथमेटिकली कुछ कोई बोलेंगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए इट इज एंटी डेरिवेटिव, बट इट इज नॉट द मतलब एक्चुअल इंटीग्रेशन इज नॉट एंटी डेरिवेटिव, वो बोलने के लिए वो होता है ना स्लैंग लैंग्वेज, तो उसको यूज किया जाता है। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, बट एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। समझ में आ रहा है गाइस? किसी को बोला सर और एक दिखाओ जरा जादू, कोई ना जादू है तो जादू एक बार दिखाओ, और यहां पे देखो गाइस, यहां पे सब लोग देखो y इज इक्वल टू tan x, चलो बताओ dy क्या होगा, y tan x होगा, तो dy क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x dx। मुझे बताओ इतना समझ में आया क्या नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हो जाएगा, सिक्स y इज इक्वल टू tan x, तो व्हाट इज dy, sec square x dx, ठीक है? अब इफ आई पुट इंटीग्रेशन बोथ द साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy, अरे dy का इंटीग्रेशन y होगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, अरे इंटीग्रेशन ऑफ dy y होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx क्या होगा, tan x होगा। देखो सारे फॉर्मूले अपने बन रहे कि नहीं बन रहे, उल्टे वाले अपने सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको लिख के दिए, अरे मुझे बताओ समझ में आ रहा है क्या? अब कोई बोलेगा सर कांस्टेंट, अब कुछ कुछ लोगों ना कांस्टेंट चुभ रहा है, ठीक है, तो अपन कांस्टेंट का जरा बात करते हैं, ठीक है? पहले मुझे बताओ इतना समझ में आया, अरे मुझे बताओ इतना समझ में आया, तो मुझे बताओ क्या सारे नौ के नौ फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो खुद से घर पे? हाँ, तो अभी पहले काम करना है, होमवर्क सब लोग के लिए होमवर्क है, ये सबमिट करना है, आज भी आपको होमवर्क मिलेगा, मैं होमवर्क भी भेजूंगा, वो होमवर्क अलग से, ये जो क्लास वाला होमवर्क है वो भी आपको सबमिट करना है, जब भी वो डेट मिलेगी आपको, ठीक है? होमवर्क क्या है, डिराइव ऑल इंटीग्रेशन फॉर्मूला, डिराइव ऑल इंटीग्रेशन फॉर्मूला बाय दिस मेथड, फॉर्मूला बाय विच मेथड, बाय एंटी डेरिवेटिव, सेम जो मैंने अभी आपको यहां पे दो फॉर्मूले बताए, फॉर्मूला वन फॉर्मूला टू, दो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिए ना, ये देखो ये फॉर्मूला क्या आया, तो फाइनली फॉर्मूला क्या है, लुक एट द लेफ्ट, देख ये वाला, ये साइड देखो, ये वाला साइड देखो ना आप लोग, क्या मिला इंटीग्रेशन ऑफ, क्या मिला sec square x dx, क्या मिला tan x मिल गया,
इंटीग्रेशन ऑफ डीवाइज वाई इंटीग्रेशन दिस इज दिस, खत्म बात, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इवन आप लोग को चाहिए तो आप जेवाईसी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक माइनस साइन वाला भी बता के रखता हूँ, क्योंकि बोलेगा सर एक माइनस साइन वाला भी बताओ, लेकिन ये सारा होमवर्क है, होमवर्क, ठीक है। चलो एक माइनस साइन वाला भी बता के रखता हूँ आपको। ऑलमोस्ट लेक्चर अपना खत्म हुआ है गाइस, ऑलमोस्ट लेक्चर खत्म हुआ है, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू cos x, व्हाट इज dy, dy क्या होगा, dy क्या होगा, ठीक है, माइनस साइन x dx, इतना मुझे बताओ समझ में आ रहा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dy gives me y, सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन डी एक्स जूस बी कॉस एक्स, तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब मुझे फॉर्मूला में ना यहां पे माइनस साइन नहीं, माइनस वन वैसे भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, कोई बोलेगा सर इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो ये साइन एक्स डी एक्स ऐसा भी हो सकता है क्या। अब मुझे बताओ कभी भी ऐसा कुछ होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो माइनस साइन इधर लिखो या इधर लिखो, कुछ फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या आया, माइनस कॉस एक्स आया, समझ में आ रहा है क्या, बताओ मुझे, नहीं ये जो फॉर्मूला जो शीट है वो तो आपको गूगल क्लासरूम में डालनी होती है, गूगल क्लासरूम में ही डालो वो, ठीक है, क्योंकि आपके जो आपका वाइवा भी अभी लेने वाले हैं, कल से जो आपका वाइवा स्टार्ट होगा, अमन सर और सिद्धार्थ सर दोनों मिलके आपका वाइवा लेंगे, तो सिद्धार्थ सर जो आपका होमवर्क चेक करते हैं, ठीक है, वो भी इंजीनियर ही है, इंजीनियर मतलब सरदार पटेल, सरदार पटेल कॉलेज पता है ना आपको, ठीक है, तो सरदार पटेल से जो आपका वाइवा चेक करते हैं वो भी सरदार पटेल से, मेरे स्टूडेंट था वो, ठीक है, दिल्ली से नहीं है वो, सरदार पटेल भाई, सरदार पटेल मतलब वो सरदार पटेल कॉलेज, एचपी कॉलेज, ठीक है। चलो ये समझ में आया, सरदार पटेल अंधेरी, ठीक है, हाँ सीईटी वाला कॉलेज, जो सीईटी के जो टॉप तीन कॉलेज है ना, कौन से विजय टीआई, सरदार पटेल, सीओईपी, एक विजय टीआई से, एक आपका होमवर्क चेक करने वाला विजय टीआई से, एक सरदार पटेल से, तो विजय टीआई सरदार पटेल भी अच्छा कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि, तो आपका होमवर्क चेक, तो ऐसा मत बोलो अरे सर विजय टीआई में जाके लोग होमवर्क चेक करते क्या, नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो भी अपना एक पैरल इनकम कमा रहे हैं, उनको भी अपना खर्चा पानी निकल जाता है कॉलेज में, ठीक है गाइस। चलो ये मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा है सबको गाइस, तो इंटीग्रेशन सबके दिमाग में आया गया कि नहीं गया, इंटीग्रेशन सबके दिमाग में गया कि नहीं गया, गाइस ठीक है। अब जाते जाते मतलब अब जाते जाते निकलते निकलते पांच मिनट का, हाँ कॉन्स्टेंट, अरे हाँ किसी ने बोला, अरे कॉन्स्टेंट का बताया नहीं मैंने, चलो अब यहां पे देखो y इज इक्वल टू, सब लोग यहां पे देखो y इज इक्वल टू साइन x प्लस एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब मुझे तो साइन x, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज कांस्टेंट का मतलब, व्हाट इज कांस्टेंट का मतलब, एक कोई भी नंबर, एनी नंबर, अरे कांस्टेंट का मतलब क्या, एनी नंबर, ठीक है कांस्टेंट c। अब मुझे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, dy की वैल्यू क्या होगी, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x dx, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है, यहाँ पे नंबर है ना ये, और कुछ लोग बोलेगा सर कांस्टेंट की जगह फोर लिखो, फाइव लिखो, सिक्स लिखो, सेवन लिखो, एट लिखो, टेन लिखो, जो भी होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो होता है। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन दोनों साइड करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइज वाई, सो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस डिक्स क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आया, सो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डीएक्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट,
where this constant can be any number, कोई भी number हो सकता है, कोई फर्क नहीं होता, constant मतलब कोई भी एक number होता है, this can be a number, so कोई बोलेगा सर constant के जगह मैं लिखता हूँ सर, एक काम करते हैं सर phi लिखते हैं, चलो phi लिखते हैं, कोई बोलेगा सर phi लिखते हैं, तो इधर क्या आएगा आंसर, इंटीग्रल कॉस dx क्या होगा, sin x plus phi आएगा, अब phi के जगह कोई बोलता है सर 6 लिखो, तो यहाँ पे 6 आएगा, कोई बोलेगा सर 7 लिखो, यहाँ पे 7 है, कोई मुझे कोई बोलेगा सर माइनस 1 लिखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या, यू कैन पुट एनी नंबर हियर राइट, वेरी वेरिएबल क्यों डालते भाई, नंबर डालो ना कॉन्स्टेंट, समझ में आ रहा है, तो ये तो कुछ नहीं निकला, बच्चों वाली चीज निकली कि नहीं, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही ऐसा लगा था, कॉन्स्टेंट कुछ तो बड़ी चीज है, अब कुछ नहीं है तो बकवास है, ठीक है, तो ये सिंपल चीज है, तो इसीलिए इसको कॉन्स्टेंट लिखा जाता है, ठीक है, तो ये इसीलिए कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे भी कॉन्स्टेंट डाल के रखते, ठीक है गाइज, अब इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट वगैरह वो, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आएगा, सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव गाइज मैं आपको कब पढ़ाऊंगा, गाइज अगले हफ्ते से अपना स्टार्ट हो रहा है, क्या स्टार्ट हो रहा है बताओ जरा, क्या स्टार्ट हो रहा है अगले हफ्ते से, अरे वाइवा नहीं, वाइवा तो अभी चालू हो रहा है, कल से काइनेमेटिक्स एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद एक्चुअल फिजिक्स, देखो स्केलर वेक्टर हम लोग मस्त आराम आराम से गए स्केलर वेक्टर, क्योंकि स्केलर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और अपना फिजिक्स जस्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कैलकुलस पेस में पकड़ा, मतलब क्या कैलकुलस का पेस बहुत अच्छा था, फटाफट खत्म हुआ, बराबर कि नहीं, अब यही सेम जो कैलकुलस वाला जो अपना स्पीड है अब वही काइनेमेटिक्स में भी रहेगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी यही रहेगा, तो आपको क्या करना है, मेरे पहले जेवाईसी के वीडियोज वगैरह देख के आने हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है, तो आपके पास अभी कैलकुलस तो पहले कर लो, कैलकुलस का भी वीडियो देख लो, फिर आफ्टर थर्सडे मतलब थर्सडे होने के बाद फ्राइडे सैटरडे संडे में आप काइनेमेटिक्स के भी एक दो चार पांच वीडियोस देख लो, क्या है हर एक लेक्चर के पहले दो तीन वीडियो आप काइनेमेटिक्स से मेरे जेवाईसी वाले देख के आओ, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब मेरा ये लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आप जेवाईसी की वीडियो वापस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है गाइस, नहीं काइनेमेटिक्स मंडे से अगले वीक नेक्स्ट वीक काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा अपना अगले वीक नेक्स्ट वीक से, ठीक है, और एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट दो चैप्टर्स है जिसको मैं आराम से मतलब बहुत डिटेल में हर एक चीज को अच्छे से वेल एक्सप्लेन पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर इसमें मतलब कुछ कुछ चीज आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी लेकिन ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ में आ जाएंगी, ठीक है, चलो बाय गाइस नहीं मॉर्निंग वाले लेक्चर अभी नहीं, थोड़े से और टाइम में के बाद चालू होंगे, मॉर्निंग वाले लेक्चर थर्ड वीक या फोर्थ वीक ऑफ जुलाई के बाद स्टार्ट होंगे, ठीक है, अभी क्या पहले कॉलेज स्टार्ट होने, तो जैसे ही कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे आपके मॉर्निंग के लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, अब तक कॉलेज स्टार्ट हुआ नहीं है, सो आफ्टर कॉलेज मॉर्निंग के लेक्चर्स होंगे आपके, चलो बाय गाइस वो वेनसडे फ्राइडे का वो एस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बात किया है, इस तरह से ही विल टेक केयर ऑफ यू, ठीक है, चलो बाय गाइस बाय।